बात है महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी, मैडम आज आंगनबाड़ी को लेकर एक सवाल लगा था, क्या है स्थिति मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों की? देखिए, कुछ अपूर्ण और जहां नहीं बनी उसका क्वेश्चन था एक दो सदस्यों का, तो आने वाले समय में ये है कि हम लोग करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैडम ज़्यादातर सत्ता पक्ष के विधायकों के टारगेट पर आंगनबाड़ियाँ हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 16 साल से जो है स्थितियाँ बेकार हैं और व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब दूर बेकार है, कहीं कहीं हो सकती है और उसको बेहतर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। खास तौर पर जन सहयोग की बात की गई है, विभाग भी क्या जन सहयोग को लेकर काम करेगा या दूसरे विधायक? पिछले समय हुआ भी है, काफ़ी कुछ आंगनबाड़ियाँ जन सहयोग से होती है, कई विधायक निधि, सांसद निधि और दूसरी भी योजनाएँ हैं उनके माध्यम से होती है। एक और गंभीर आरोप मैडम की एक कमरे में चल रही हैं, संसाधन नहीं है, 15-15 सालों से काम ही निर्माण ही चल रहा है, बन नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर जमीन का विवाद हो या कहीं जमीन नहीं मिल पाती है तो ऐसी परिस्थितियों में होता है, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जहाँ भी हमारे संज्ञान में आता है तो हम लोग करते हैं। मैडम सब कुछ अच्छा है तो विपक्षी तो कम घिर रहे हैं, अपने ज़्यादा घिर रहे हैं, ऐसी क्या बात है सच्चाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने भी कोई घेर नहीं रहे हैं। जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ नए नए सदस्य भी जीत के आए हैं तो उनको लगता है कि हमारी आवाज़ यहाँ पे हम उठाएंगे तो काम होंगे हमारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हैं महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जो बता रही थी, जो नए नए सदस्य हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो बेहतर हैं और सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। राजू के साथ अजय शर्मा, NDTV इंडिया।